धनतेरस का मतलब शॉपिंग करना नहीं है, धन की देवी की तरह सजना भी है। आज आपके पास चांदी, सोना, तांबा, पीतल, नकली, असली जो भी जेवर हैं, कम से कम अपना मंगलसूत्र अपने जेवर गले के अंदर धारण ज़रूर करें, हाथों में चूड़ियां धारण करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 13 दिए जलाना, और उन 13 दियों को आप घर में अलग अलग जगह पर या एक साथ भी जला सकते हैं। मंदिर में सामाजिक तौर पर गए हुए मंदिर में भी जाकर जलाकर अर्पण करके आ सकते हैं, और महालक्ष्मी को आप निवेदन कर सकते हैं कि वो आपके घर पर ज़रूर आए। आज मासिक शिवरात्रि भी है, महादेव पर एक लोटा जल उए हुए और बेलपत्र अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। अगर कायदे से दिन की बात करें तो आपको आज पता है कि आज क्या दिन है, आज बुधवार है। बुध करे सब दुख सुख। बुध ने कल वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है, और बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश थोड़ा सा इंसान को गुस्सा दिला सकता है, स्किन की प्रॉब्लम दिला सकता है, अग्नि घटनाओं में आपकी स्किन हाथ जल सकता है खाना बनाते वक्त या कुछ भी पटाखे चलाते वक्त। तो से नो टू क्रैकर्स तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी चाहे एक फुलझड़ी जलाएं पर हल्का सा शगुन पटाखे वाला ज़रूर कर लें। बहुत बड़े बड़ी आतिशबाजियाँ तो देखिए दिल्ली NCR में तो अब मिलती ही नहीं है, लेकिन एक शगुन ज़रूर कर लें। और जहाँ पर भी जिस भी रूप में आपको कोई सड़क पर ज़रूरतमंद भीख मांगता हुआ दिखे 5 रुपये दे दीजिए, पर दे दीजिए। धन देने से आता है, धन कस के पकड़ के घर में रखने से नहीं आता। हम अपने वर्कर्स को दिवाली कब दें? दिवाली वाले दिन ही दें। आप भी तो ये चाहेंगे ना कि आप धन बांटें, जो देंगे वही मिलेगा, और उनके घर भी उस दिन दिवाली जाएगी, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मीठा नमकीन साथ में दें, पैसे ज़रूर दें, क्योंकि हर किसी की धन की एक इच्छा होती है। चाहे आप एक 500 का नोट दें, पर दें ज़रूर। दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं। आज किसी भी 13 चीज़ों का दान करें, कुछ नहीं कर सकते 13 केले ही दान कर दीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 13 बादाम लेकर महादेव के ऊपर अर्पण कर दें। चारों तरफ दीपक ज़रूर जलाएं। बात उनकी जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिसने